नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा भारती। जेडीयू के विधान पार्षद रणविजय सिंह भोजपुर के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। वे लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जनता को संबोधित भी कर रहे हैं। यही नहीं, एमएलसी और जेडीयू प्रत्याशी रणविजय कुमार सिंह घर घर घूमकर लोगों से जनसंपर्क स्थापित कर समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। यही नहीं, आज बड़हरा जेडीयू प्रत्याशी रणविजय कुमार सिंह के द्वारा आरा सदर अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस दो एम्बुलेंस की सौगात दी। आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे कार्य सांसद विधायक बनने के बाद नेता किया करते हैं, लेकिन रणविजय सिंह जो वर्तमान में विधान पार्षद है और बड़हरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अभी से ही अपने क्षेत्र के लोगों की मुसीबतों को देखकर मदद कर रहे हैं। रणविजय सिंह का कहना है कि मदद करने का मतलब लालच नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जिस मिट्टी से मेरा जुड़ाव है वहां के लोग मुझे समझे, मेरी नीयत पर शक न करें। बता दें, इस दौरान रणविजय सिंह ने कहा कि आरा सदर अस्पताल को दिए ये दोनों एम्बुलेंस पूरे जिले के लिए है, इसलिए इसे सिर्फ बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से जोड़कर ना देखें। जाहिर है कि विधायक प्रत्याशी रणविजय कुमार सिंह लंबे समय से समाज सेवा करते चले आ रहे हैं। लोगों को लाभान्वित करने के लिए कहाँ कहाँ? देखिए, ये पूरे भोजपुर जिला में जहाँ लोगों को जरूरत पड़ेगी, जहाँ इमरजेंसी सेवा की जरूरत पड़ेगी, वहाँ ये एम्बुलेंस जाएगा। बड़हरा विधानसभा से चूँकि हम वहीं से हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए थोड़ा विशेष ध्यान रहेगा। और हमारा स्वास्थ्य विभाग से और सिविल सर्जन जी से हमारा एक निवेदन है कि इस तरह की जो एम्बुलेंस है वो बढ़ती रहेगी संख्या, लेकिन एक ही निवेदन है कि इनका मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से होता रहे, ताकि ये गाड़ियाँ बढ़ती रहें, लोगों के बीच पहुँचती रहें। इनकी संख्याओं को बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि लोगों को आने वाले समय में कहीं भी ज़रूरत रहे तो कहीं कोई भी आदमी को इस चीज़ से वंचित नहीं रह पाए, और जहाँ ज़रूरत हो या वहाँ पर ये तुरंत पहुँचने का काम। सर, कहाँ के लिए एम्बुलेंस दोनों रवाना किया गया? हमने तो पहले ही आपको बताया कि ये पूरे भोजपुर जिला के लिए जो है, लेकिन अभी जो है बड़हरा में कोलवर और प्रखंड और बड़हरा प्रखंड, वहाँ पर दो जगह अभी वहाँ स्टेशन बनाया गया है। ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे जिला में जाने का काम करेगा। आने वाले समय में इस संख्या को हम अपने बढ़ाने का काम करेंगे। चुनावी मौसम में एमएलसी साहब इसको दान करने के पीछे क्या वजह है? एक तो ये समझिए कि ये प्रोसेस अभी चुनाव के समय नहीं हुआ है, ये प्रोसेस कम से कम 3 महीना पहले हुआ है ना। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय जो है, शुरू से बड़हरा के लोगों से, इस जिला के लोगों से हमारा बहुत पुराना नाता है। हमारे पूर्वज यहीं से जुड़े हुए थे, काफ़ी प्रेम है, स्नेह है, और हमारा कोचिंग से हमारा जो इंस्टीट्यूशन वगैरह है इसी जिले में 4 साल पहले से चल रहा है। तो ये एक ह्यूमनिटी की बात है, ये एक मान्यता की बात है, इसलिए इसमें कहीं भी कोई भी किसी तरह का चुनावी कोई मुद्दा से इसको ना जोड़े, और हर एक लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जितने भी माननीय लोग हैं, हमारा निवेदन है उनको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जितना संख्या बढ़ सके, जितना अधिक से अधिक ये संख्या बढ़ेगी एम्बुलेंस की, उतना ही लोगों को सहूलियत। क्या माना जाए, एमएलसी रणविजय सिंह ये दान किए हैं या बड़हरा भावी प्रत्याशी रणविजय सिंह दान किए? अब आप लोग को जो समझना है उसमें आप लोग खुद समझ सकते हैं। हमने अपनी सारी बातों को बोलने का काम कर दिया है ना। बाकी आप लोग को जो समझना चाहे वो आप लोग समझ सकते हैं। जेडीयू में आएगा तो जेडीयू उनका स्वागत करेगी? एकदम बिल्कुल स्वागत करेगी, दोनों हाथ से उनका स्वागत करेगी। लेकिन ये विषय माननीय हमारे मुखिया विकास पुरुष जो है मुख्यमंत्री जी का है, और जो जो उनका आदेश होगा वही सारे लोग मानेंगे। इसलिए और वो तो जो है काफ़ी आदरणीय रहे हैं, और अच्छे जगह उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल को, पूरे अपने जो उनका ये रहा उनको, बहुत अच्छे से उन्हें अपने दायित्व को पूरा निर्वहन किया है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। रणविजय सिंह राज्य के जाने माने शिक्षाविद है, देश भर में दर्जनों इनके शैक्षणिक संस्थान है। अब ये अपने विधानसभा क्षेत्र और जिले में शिक्षा को मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं।
तो रणविजय सिंह का ये प्रयास कितना कारगर साबित होता है, जिलावासी क्या इससे संतुष्ट होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और आने वाले विधानसभा चुनाव में रणविजय सिंह जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या जनता का सहयोग इन्हें मिल पाएगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए सिटी पोस्ट लाइव को देखते रहे, हमें अपना सहयोग दे, तब तक के लिए धन्यवाद।